आज की शुरुआत करते हैं खूबसूरत जगह से जिसका नाम है चित्रकूट। आप लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा क्योंकि ये इंडिया के एक कोने में बसता है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, द लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया। तो आज के ब्लॉग में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस सफर के साथ और एक नई जगह के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धंजल और हम हैं अभी चित्रकूट में। तो चित्रकूट यहाँ का लास्ट विलेज काउंट होता है जो कि टच होता है 12 किलोमीटर की रेंज में किससे, चाइना बॉर्डर से। इससे आगे कहते हैं कि तिब्बत की और चाइना की रेंज टच होती है, जैसा कि आपको पता ही है 12 किलोमीटर के अंदर अंदर। बट कल यहाँ रात को स्नोफॉल हुआ है और यहाँ का व्यू इतना मार्वलस है कि, और यहाँ पे लिटरली इस वक्त -14 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। कैन यू जस्ट बिलीव इस, अच्छा अभी 9 है, अभी सुबह सुबह 14 था। इट जस्ट लुक अमेजिंग राइट। 11,320 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे आ चुके हैं जिनके मोटर बाइक्स के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है। सो जस्ट लेट्स गो डाउनस्टेयर्स गाइस। क्या आपको इस रिवर का नाम बताएं जो ये बह रही है, आई मीन जो ये फ्लो कर रही है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो बिल्कुल मैं इस जगह बैठी हुई हूँ, ठीक है। इवन वो टेबल पर लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। This is the morning breakfast. भैया ने दूध ज़्यादा कर दिया, ले लो, हो गया, एंड थैंक यू। एंड दिस इज़ आवर किचन पार्टनर जो हमारा सारे शेफ हैं और जहाँ सब कुछ बनाते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ आता है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और लेते हैं। तो जिस तरह से हम कुछ अपना बैग्स रखवाते हैं अपनी गाड़ी पे और अपना छोटे सा टेम्पू पर, और अब हम जा रहे हैं आगे आगे मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो पारुल, मुझे तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, इवन ड्रेसिंग सेंस। रिवर का नाम क्या? बताओ पारुल, बताओ, ऑडियंस जानना चाहती है। आई लेट यू नो, दिस इज सो रॉन्ग पारुल, दिस इज, मुझे पता लग जाएगा तो मैं भी बता दूंगा। आई गेट यू नो, आई गेट बैक टू यू, है ना। सो गाइस, हम जा रहे रिवर किनारे जिसका स्टेट ट्यून मुझे भी रिवर का नाम याद नहीं है, तुम्हें याद है? नॉट एट ऑल, दिस इज सो रॉन्ग, नॉट एट ऑल, नॉट विदाउट कैमरा। सो गाइस, बैंगलोर वाले लड़कों अपनी शक्लें दिखा दो पहले तो। अरे ये तो बैंगलोर वाला नहीं है, पर इसको शक्ल दिखा रहे हो, कितने साल समझोगे। अच्छा रिवर का नाम क्या है गाइस? क्या? बसपा। तो अवार्ड गोज टू दिस गाय, नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज अब्दे अली, अब्दे अली। सो मेरे राइट साइड पर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रकूट का, आई गेस दिस गोना बी लास्ट स्कूल ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा होना चाहिए यहाँ पर। स्टिल वी हैव टू वॉक फॉर अराउंड 5 मिनट्स टू रीच टू द एच ऑफ वाटर, एंड आई एम डेस्परेटली वॉन्ट टू फ्लाई ड्रोन। बासपा रिवर जो कि फ्लो कर रही है कुछ पार्ट चाइना में भी और कुछ पार्ट इंडिया में भी। इस वक्त यहाँ पे -4 डिग्री टेम्परेचर है। जैसा कि चित्रकूट से बॉर्डर 120 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम आए थे एक मिलिट्री एरिया टच करने के लिए, हम दो घूमने आए थे उस जगह और हमने काफ़ी बात करी वहाँ पे आसपास मिलिट्री के लोगों से, एंड दैट वाज एक्चुअली इंस्पायरिंग एंड ऑब्वियसली ऑलवेज लर्निंग। हम पूछ रहे थे अभी तक बर्फ़ क्यों नहीं आई, इट्स दिसंबर एंड, वो वहाँ कहाँ पे, वहाँ पे कुछ अच्छा सा चमकता हुआ दिख रहा है ना, तो मंदिर दिख रहा है हमें, पता हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अच्छा ऐसा कुछ बोल कर आए हो तुम? अरे अरे अरे, ये चीटिंग है, ये मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तुम तीनों को नहीं देखा, आई वॉज गॉस्टेड, नहीं आई वॉज अ गॉस्ट। सो आई मस्ट से कि ये सबसे स्केरेस्ट टाइम हो चुका था, बिकॉज कहीं से तार गिरी थी और उसको चिंगारी चमक रही थी, और हमारा बस ड्राइवर वॉज वेरी ग्रेट जिसने साइड में गाड़ी लगा ली थी, एंड वी वर वेटिंग कि कभी शांत होगी और हम आगे बढ़े। सो फाइनली रीचिंग टू द टाबो, ये रहे हम लोगों के बैग्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टे विद द होटल स्नो लियोपार्ड टाबो, एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ टाबो। मैं आप सुबह मॉर्निंग में मतलब नेक्स्ट लोग में अब देखने को मिलेगा, ऊपर मुझे बहुत प्यारे स्टार्स दिख रहे हैं, वो शो मेजर, आई जस्ट लव वॉचिंग
स्टार, मतलब स्टार गेजिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टार वॉक टूट के साथ। सो गाइस दिस इज माय रूम, अभी लाइट गई हुई है, बिल्कुल कूपन दे रहा है एंड तड़ा। सो मैं ये जगह आपको नेक्स्ट व्लॉग पे दिखाती हूँ, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अभी तक मेरी कोई इनकम स्टार्ट नहीं हुई यूट्यूब से। एंड देन वी स्पेंडेड आवर टाइम विद न्यू पीपल एंड ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, और इस तरह से रात ख़त्म हो चुकी थी।